हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर का ये स्टॉक है। यहाँ पे बम्पर प्रॉफिट इसने दिखाया है क्वार्टर टू के रिजल्ट में। जब हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर की बात आती है तो सबसे बड़ा नाम हमारे पास आता है HDFC, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये सबसे बड़ा नाम है, इसीलिए हर छोटा शेयर क्या HDFC बनेगा हाउसिंग फाइनेंस का, ये छोटा सा शेयर क्योंकि बम्पर प्रॉफिट दिए जा रहा है। और अगर आप पिछले कुछ टाइम में देखो तो हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में जो क्राइसिस चल रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मैं कहूँगा जानलेवा क्राइसिस है। आपने देखा DHFL का क्या हाल हुआ, आपने देखा इंडिया बुल का क्या हाल हुआ, सारे शेयर्स बिल्कुल धराशाही रहे, लेकिन जो स्टेबल कंडीशन में था शेयर वो था HDFC। अब हम बात करते हैं इस स्टॉक की, क्योंकि बम्पर प्रॉफिट दी है तो हम तो सीधे सीधे कंपैरिजन करेंगे बेंचमार्क जो कि काफ़ी ऊपर खड़ा है HDFC से। कैसा HDFC से कंपैरिजन है, आप कहोगे कोई कंपैरिजन है नहीं, ऑल दो ये कंपैरिजन हाथी और चींटी जैसा है, बट स्टिल हम कोई शेयर अगर बढ़ना चाहेगा तो HDFC जैसा बनना चाहेगा अगर उसके सेक्टर का होगा। तो एक नज़र देखते हैं इसके रिजल्ट को और साथ में थोड़ा टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज करते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए लेटेस्ट रिजल्ट की और साथ में HDFC के साथ कंपेरिजन। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और इतनी मेहनत हम आपके कर लिए करते हैं तो थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी राय कमेंट कीजिए। तब तक हम लेके चलते हैं आपको HDFC के ऊपर। HDFC सबसे बड़ा स्टॉक है हाउसिंग सेक्टर का, हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर का। 3,70,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ। अगर आप पिछले 3 साल की देखो, 5 साल की देखो, 10 साल की देखो, अल्टीमेट सेल्स ग्रोथ 21-22% की। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक का, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसका शेयर इतने बड़े लेवल से नीचे गिरा है, आपको यकीन नहीं होगा। छोटा सा शेयर है, स्मॉल कैप का शेयर है, इसीलिए मैं HDFC के साथ इसका कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, क्योंकि HDFC एक बहुत बड़ा शेयर है। उसके मामले में इसका जो कंपैरिजन है वो हाथी और चींटी का जैसा है। इसका मात्र 7,00,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसका आपने देखा होगा भाई 3,50,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी सेल्स ग्रोथ 40% है और प्रॉफिट ग्रोथ 49% है पिछले 3 साल का एवरेज। अगर आप इसका पी रेशियो देखें तो हर 6 रुपये पे 1 रुपये कमा के दे रहा है, क्योंकि शेयर में काफ़ी गिरावट आई थी, काफ़ी बड़े लेवल से ये गिरा है। जिस तरीके से फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में क्राइसिस जा रहे हैं तो उससे भी ये भी नहीं बचा है, इसमें भी इसके शेयर प्राइस में भी उसका काफ़ी इम्पैक्ट जरूर आया है। लेकिन अभी मैं आपके लिए लेके आया उसका रिजल्ट, फिर बाकी बाद में करेंगे, पहले देखते हैं इसका रिजल्ट। रिजल्ट बिल्कुल लेटेस्ट आपके लिए है, अभी 4:15-4:30 बजे के आसपास ये वीडियो मैंने बना रहा हूँ, देखिए। और ये रिजल्ट बिल्कुल 4:16 पे ये रिपोर्ट अपडेट हुई है। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि अगर इसकी जो मीटिंग कंक्लूड हुई होगी वो 4 बजे के आसपास ही होगी, क्योंकि 10-15 मिनट तो ये भी ले लेते हैं। अब जो मीटिंग हुई है, जो रिजल्ट इन्होंने दिखाया है, जो PDF अपडेट की है, सबसे पहले मैं व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कोई भी रिजल्ट आपको अगर डिटेल में एनालाइज करना है तो कहीं नहीं जाना, आपको सिंपल BSE इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, उस स्टॉक को सर्च कीजिए, आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट पर रिजल्ट मिल जाएगी, उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। और अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जरूरी है कि इस रिजल्ट को देखें, इसको समझें, क्योंकि भाई अगर आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो ये मेहनत है, मेहनत ये मान के चले कि उसमें भी आप मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं कि भैया आपने रिजल्ट देखा ही नहीं, आपने शेयर स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ, तो ज़रूरी है आप रिजल्ट को देखें और अपनी समझ के हिसाब से पैसा लगाएं, ताकि अगर आपको कल को लॉस भी होता है ना उस शेयर में तो आप समझ पाएंगे और अगले टाइम से वो गलती नहीं करेंगे। मार्केट के टिप्स से बच के रहिए और अपने एंड पे एनालाइज कीजिए। इसलिए मैं आपको रिजल्ट को बिल्कुल बारीकी से बताने की कोशिश करता हूँ जितना हो पाता है। और मैं यहाँ पे रिजल्ट को फिर से बताऊँगा, देखिए टोटल इनकम में से स्टार्ट करता हूँ। देखिए टोटल इनकम ये सारे नंबर्स करोड़ में है, फिर से बात करता हूँ देखिए। और इस क्वार्टर में इसने 2,230 करोड़ का टोटल इनकम दिया है, जो कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 1,800 करोड़ का था। तो देखिए क्लियरली मुझे तो बहुत बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में, 1,800 यार यहाँ पे 2,200 सीधे सीधे 400 करोड़ के आसपास का जंप, उससे भी ऊपर ही है। ऑल दो जून क्वार्टर में भी है 2,230 करोड़ का जंप था, बिल्कुल सिमिलर जून क्वार्टर के कंपेरिजन में, लेकिन हम यहाँ पे लास्ट ईयर सितंबर से कंपेयर करेंगे तो बढ़िया जंप। अब बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखें 372 करोड़ से प्रॉफिट जो जंप होके 426 करोड़ तक गया, बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे भाई एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं और टैक्सेस की अगर बात करें तो टैक्सेस में कमी देखने को मिल रही है। जैसे 119-120 करोड़ का लास्ट ईयर टैक्स दिया था, इस बार मात्र 60 करोड़ का टैक्स दिया, जिसकी वजह से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि प्रॉफिट में जंप जरूर आया होगा और हम प्रॉफिट की तरफ चलते हैं।
नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम कहते हैं, तो जंप जरूर आया होगा, उसको देखिए आप और समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई आपका समझना जरूरी है अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो। 252 करोड़, 253 करोड़ अगर आप देखें यहाँ पे पिछले साल सितंबर में प्रॉफिट था और इस बार ये 366 करोड़ हो गया। क्लियरली जो मुझे देख रहा है, जो मुझे मैं हिसाब लगा पा रहा हूँ, वो 114 करोड़ का जंप मुझे क्लियरली देखने को मिल रहा है पिछले साल सितंबर के कंपैरिजन में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इवन मैं जून क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो जून के कंपेरिजन में भी देखिए 284 करोड़ से सीधे बढ़ के 366 करोड़, दिस इज़ वेरी गुड। ऑलमोस्ट 70 करोड़ का जून से कंपैरिजन में प्रॉफिट में जंप, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 114 करोड़ का जंप, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक हाउसिंग फाइनेंस का सेक्टर जो कि बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था ये स्टॉक, और वहाँ से उठ के ये इतना प्रॉफिट दिखा रहा है, बहुत ही बढ़िया बात। यही नहीं रुकेंगे, अभी हम बात करेंगे अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर की जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, अर्निंग पर शेयर जो मुझे क्लियरली दिख रहा है 15 रुपये का अर्निंग पर शेयर इस बार 21-22 रुपये के आसपास पहुंच गया, और ये जून 2019 में 16 से 17 रुपये के बीच में था। तो मुझे क्लियरली लगता है कि हाँ भाई काफ़ी पॉजिटिव ये रिजल्ट दिखाया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने। अगर मैं इसके पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट देखूँ तो कुछ इस तरीके से था। देखिए पिछले कुछ क्वार्टर्स का आप रिजल्ट देखिए, मैं मुझे लगता है कि पिछले 8-10 क्वार्टर का जो मैं नंबर देख पा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी क्वार्टर में हुआ है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और इससे पहले अगर आप रिवेन्यू भी देखें तो सबसे बढ़िया रिवेन्यू आप देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, तो बहुत ही बेहतरीन बात है इस शेयर के लिए। लेकिन इस शेयर को देखिए आप, कुछ क्राइसिस चल रहे हैं वो अलग हैं, लेकिन यहाँ पर रिवेन्यू देखिए लगातार ग्रोथ चलती जा रही है। देखिए 970 करोड़ ये देखिए हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ता जा रहा है। इवन ईयरली बेसिस पर मैं देखूँ तो देखिए 200 करोड़ से बढ़ता बढ़ता ये रिवेन्यू 8000 करोड़ तक चला गया है, और प्रॉफिट को देखिए 40, 50, 60 और ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो कुछ क्राइसिस इनके चल रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर के, जिसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, तो थोड़ा एचडीएफसी के अलावा जैसे इंडिया फुल फाइनेंस की बात करो या पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करो, तो मुझे हल्का सा यहाँ पे डाइसी लगता है, थोड़ा सा डाउट सा होता है, क्योंकि कभी भी शेयर गिर जा रहा है। और डाउट क्यों हो रहा है, उसका मेन रीज़न ये है। देखिए उसका मेन रीज़न इसको देखिए और समझिए, पिछले कुछ टाइम में प्रॉफिट अगर सारी चीज़ें सही दे रहा है, लेकिन स्टॉक देखिए 1600 के लेवल से 1700 के लेवल से गिर के 300 के लेवल पे आ गया, इसीलिए मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और नीचे जाता 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 देखिए कहाँ आ गया। अब कोई 1600-1700 रुपये का शेयर इतने नीचे आता है तो थोड़ा सा डर तो बना ही रहता है। DHFL के वैसे हालत बुरे हैं, इंडिया बुल्स के वैसे हालत बुरे हैं, तो अगर रिस्क की बात की जाए तो मुझे ये स्टॉक चाहे कितना भी बढ़िया प्रॉफिट दे दे, करंट स्टेट में काफ़ी रिस्की लग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गोलमाल है भाई इन स्टॉक्स में अभी फिलहाल तो। और इसलिए मैं प्रीफर करूँगा, अगर मैं हाउसिंग फाइनेंस के किसी स्टॉक को चूज़ करना चाहूँगा जहाँ पे कम से कम रिस्क है, तो मैं प्रीफर करूँगा HDFC, चाहे कुछ भी हो जाए HDFC, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ये रिस्क वाली बात जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसका नाम ही काफ़ी ऐसा है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस स्टॉक की क्या हालत बनी हुई है। अब आज की डेट का अगर इसका कारोबार देखोगे HDFC PNB हाउसिंग फाइनेंस का, तो 450 के ऊपर ये आज लास्ट इसका प्राइस है, और मुझे लगता है कल की डेट में इसमें जंप जरूर आएगा, क्योंकि बेहतरीन प्रॉफिट इसने दिखाया है आपको। अब यही नहीं, ये स्टॉक इंपॉर्टेंट है, ये एक बढ़िया डिविडेंड भी देता है। अगर आप इसका डिविडेंड देखें तो 1.98% हो चुका है, ऑल्दो करंट प्राइस के कंपेरिजन में ये डिविडेंड यील्ड होता है, लेकिन बढ़िया डिविडेंड ये देता है। ये देखिए आप ऑलमोस्ट 9-9 रुपये का इसने डिविडेंड दिया है फाइनल हर साल में पिछले 3 साल से। देखिए एक बार 6 दिया था, फिर 9, और उसके अलावा यहाँ पे पर प्रोमोटर्स देखिए, मेजर प्रोमोटर अगर आप देखोगे तो वो कौन है, PNB पंजाब नेशनल बैंक इसका मेजर प्रोमोटर है, 32% की होल्डिंग है। और उसके अलावा जो बड़े शेयर होल्डर है उनको देखिए आप, बड़े शेयर होल्डर की बात की जाए तो जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड एक बड़ा शेयर होल्डर जिसकी 10% के आसपास की होल्डिंग है, आदित्य बिरला सनलाइफ एक बड़ा शेयर होल्डर है, उसके अलावा क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग एक बड़ा शेयर होल्डर है जिसकी 32% के इसमें होल्डिंग है। इवन फ्रैंकलिन टेम्पलर म्यूचुअल फंड की भी अच्छी खासी इसमें होल्डिंग है। तो अभी हमने बात किसकी कर रहे हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को हम कंपैरिजन कर रहे थे एचडीएफसी के साथ, कोई कंपैरिजन नहीं है। रिस्क की बात की जाए तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी रिस्क है हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में पूरा ही, लेकिन एक स्टॉक जो बचता है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ और एक रिटेल इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से बात करता हूँ हमेशा, ताकि क्योंकि मुझे जो मुझे यहाँ पे लगता है, जो देखता है, जो मैं फीडबैक लेता हूँ, तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत पैसा शेयर मार्केट में गंवाता है, और उसका मेन कारण है वो खुद एनालाइज नहीं करता, रिस्क को अपना समझ नहीं पाता, क्या मैं रिस्क ले रहा हूँ, कितना रिस्क ले रहा हूँ वो नहीं समझ पाता, वही एक मेन कारण है। इसीलिए मैं एक रिटेल इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से आपको नॉलेज शेयर करता हूँ, यहाँ पे चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो HDFC बैंक एक रिटेल इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से बहुत बेहतरीन शेयर है, अगर आप HDFC बैंक नहीं HDFC हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो, क्यों HDFC बैंक भी बहुत बढ़िया शेयर है, लेकिन वो बैंकिंग सेक्टर का आ जाता है। यहाँ पे अगर हम हाउसिंग फाइनेंस की करें तो, रादर देन इन्वेस्टिंग इन दीज थ्री शेयर, एक रिटेल इन्वेस्टर को
चूज करना चाहिए HDFC। अभी देखिए आप स्टॉक का प्राइस कहाँ से कहाँ नीचे आ गया है। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन है इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया है। कल की डेट में मार्केट का जो शेयर इसका रहेगा, प्राइस रहेगा, वो अप होने के पूरे पूरे चांसेस है। बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में भी, प्रॉफिट में भी। वीडियो वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जितनी मेहनत हमने की है थोड़ा बहुत मेहनत आप भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपनी राय आपकी स्टॉक के बारे में या फिर HDFC के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।